दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिनसे आपके जो गंदे पीले दांत है, पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के जो दाग है, वो आसानी से निकल जाएंगे और हीरे जैसे चमकने लगेंगे। और अगर आपके दांतों से खून निकलता है, आपके दांतों में जो कीड़ा है उनसे आपको परेशानी है, तो ये चीज़, ये नुस्खा, रामबाण इलाज ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बहुत छोटे हैं, 20 से 25 या 30 से 35 साल की अगर आपकी उम्र है, तो अभी से ये नुस्खा यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपको भी पता होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उसके दांत बहुत जल्दी चले जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, तो इनसे आपके दांत मजबूत होंगे, आपके जो मसूड़े हैं ना वो इतने मजबूत होंगे कि आपके दांत लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो ये नुस्खा एंड तक ज़रूर देखें और इसका एक बार यूज़ करके आप ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको सबसे पहले, आप ये देख रहे हैं, पुदीना बिल्कुल दोस्तों नेचुरल नुस्खा है, इसमें कोई हम केमिकल वाली चीज़ें नहीं मिलाएंगे। तो आप लगभग 4 से 5 पत्ती आपको यहाँ जो पुदीना है उसकी आपको यहाँ पर ले लेनी है। इसको दोस्तों आपको इस तरह की, ये जो चटनी है ना, ये आपको पुदीना की चटनी हमने यहाँ पर पहले से ही बना ली है, तो आप इस तरह की ये चटनी है वो यहाँ पर बना लीजिए। तो आपको ये जो पुदीना की चटनी है वो लगभग 1 से 2 चुटकी जितनी ये जो चटनी है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो पुदीना की चटनी है वो 1 से 2 चुटकी जितनी ली हुई है। उसके बाद इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ दांतों के लिए, जो है वो है लौंग। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मसूड़े के लिए भी अच्छा है, दांतों में जो कीड़ा वगैरह जो लग गया होगा आसानी से इसको निकाल देगा। इसको आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसका भी आपको यहाँ पर पाउडर तैयार कर लेना है। तो आप लगभग ये जो है 3 से 4 लौंग ले लीजिए, अच्छे से इसको पीस लीजिए, तो आपको यहाँ पर इस तरह का ये जो पाउडर है वो तैयार मिल जाएगा। लगभग ये भी 1 से 2 चुटकी जितना ये जो पाउडर है ये लौंग का आपको यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको लगभग 3 से 4 बूंदे ये जो लेमन है इसकी ले लेनी है, और हमारी दांतों की अच्छे से सफाई हो जाए इसलिए हम लगभग इसमें आधा चम्मच जितना ये जो नमक है वो नमक हम यहाँ पर मिला देंगे। और इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। अगर आप ये पेस्ट एक बार यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना आपको दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके दांतों में जो सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से निकाल देगा। पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा वगैरह के जो दाग है ना वो आसानी से नहीं जाते। तो ये लगाने के बाद आपके दांत हीरे जैसे चमकने लगेंगे, आपके मसूड़े है वो पहले से भी ज़्यादा और मजबूत बन जाएंगे, और आपके दांतों में अगर खून निकलता होगा तो एक बार के इस्तेमाल से ही ये जो दांतों में से जो खून निकलता है ना वो आसानी से बंद कर देता है। अगर आप ये रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके दांतों को लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये जो नुस्खा है वो आप जो मॉर्निंग में जो टूथ ब्रश वगैरह करते हैं उसकी जगह आपको ये पेस्ट है अपने दांतों पे ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रब करना है, यानी कि आपके दांतों पे इसको लगाना है। 2 से 3 मिनट तक इसको लगा के फिर आप अपने दांत अगर आईने में देखेंगे तो आपको भी फर्क है जो आपके सामने ही आपको मिल जाएगा। 2 से 3 दिन के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप चाहें कि इसको रेगुलरली यूज़ करना है तो महीने में लगभग 8 से 10 दिन को इसका यूज़ करना ही करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है नुस्खा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नए नुस्खे के साथ। नमस्कार।